नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त गणेश कोड़े, बिजनेस कोच। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड के बारे में। बहुत सारे लोगों ने, मैंने एक पोल रन किया था तो 50% लोगों ने बोला बॉलीवुड पे वीडियो बनाइए और 50% लोगों ने बोला बिजनेस पे वीडियो बनाइए। तो पहले मैंने चूज़ किया कि मैं पहले बॉलीवुड पे वीडियो बनाऊंगा, बाद में अब बिजनेस में वीडियो बनाऊंगा। बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है उस पर भी वीडियो में बनाता रहूँगा। तो बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड की शुरुआत की दादा साहब फाल्के, जो हमारा महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने वो नाटक फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने अपनी जिंदगी में लाई। वहाँ से बॉलीवुड की रचना चालू हुई, वहाँ से पिक्चर बनने लगे, वीडियो शूटिंग होने लगी अलग अलग सिटी में, अलग अलग। पहले मुंबई से शुरुआत हुई, बाद में ऑल ओवर इंडिया में गए। तो बॉलीवुड हमारे देश में भी प्रसिद्ध है और बाहर भी प्रसिद्ध है। अलग अलग सितारे अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन सबसे इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड। बॉलीवुड यानी हिंदी इंडस्ट्री, जैसे कि सलमान खान हो गए, करण जौहर हो गए, रोहित शेट्टी हो गए, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे टॉप इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं उन्होंने ये इंडस्ट्री अभी रन कर रहे हैं। टॉप फिल्म इंडस्ट्री में अभी साउथ इंडियन भी आगे आने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, बाहुबली आ गया, फिर KGF आ गया, फिर RR आ गया, KGF 2 आ गया, फिर पुष्पा आ गया। ऐसी मतलब साउथ इंडियन भी मूवीज आगे बढ़ रही है। इसलिए आपको बॉलीवुड, और बॉलीवुड ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पैसा भी है, पैसे तो बहुत है और इनकम भी अच्छी खासी है। लोग उनसे प्यार करते, उनके फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बॉलीवुड की बात आते हैं क्रिकेटर्स, तो जैसे जैसे क्रिकेटर्स और बॉलीवुड कंपेयर करते, लोग कंपेयर करते हैं कि ये इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, लेकिन शूटिंग करते समय वो 12 12 घंटे शूटिंग करते हैं, तभी आपको ये 3 घंटे की मूवी आपको देखने मिलती है। मतलब अगर आप ये 3 घंटे की मूवी देखते हो तो उसे बनाने के लिए लोग 1 2 3 साल लगते हैं। मतलब उसके पीछे आता है प्रोडक्शन, शूटिंग होती है, प्रोडक्शन, अगर एक भी शॉट गलत हो गया, डायलॉग गलत हो गया, फिर इसे रिपीट करना पड़ता है। इसलिए बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और करोड़ों पैसे लेते हैं। मतलब जो बड़े बड़े स्टार हैं करोड़ों, एक फिल्म के करोड़ों रुपए लेते हैं। तो इसलिए बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है और पिक्चर भी बनाने लगे, क्योंकि आपने देखा होगा 150, तो बाहुबली बनाने के लिए 300 करोड़ का खर्चा आया था, 300 या 500 करोड़ का। रोबोट बनाने के लिए 500 करोड़ का खर्चा आया था, लेकिन उन्होंने उतना कमा के भर भी दिया, प्रॉफिट भी कमाया ऐसे ऐसे फिल्मों ने। इसलिए बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और आपने देखा होगा यह बॉलीवुड में अभी अनंत अंबानी के जो फंक्शन पे था, बोले पूरा बॉलीवुड आ चुका था, वो नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन क्या है, एक मुकेश अंबानी एक बड़ी रेस हस्ती है और उन्होंने सबको, मतलब सबको इकट्ठा करके उनका नेटवर्क भी बढ़ा है। अलग अलग बिजनेसमैन आए थे, बिल गेट्स आए थे, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग आए थे। बिल गेट्स तो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी आए थे पिक्चर उनके उनके फंक्शन में। ऐसे बॉलीवुड के अलग अलग सितारे उन नाच रहे थे, गा रहे थे। तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है और मुकेश अंबानी को मानते हैं लोग, और अमिताभ बच्चन भी थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को डाउनफॉल में धीरूभाई अंबानी जी ने बहुत ही मदद की थी। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था बच्चन फैमिली के साथ कि वो बैंकरप्ट हो गए थे, तब धीरूभाई अंबानी ने उनके बेटों को कहा इसका गलत टाइम चल रहा है तो आप इसकी मदद करो। और उन्होंने, मतलब मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की और उनको पैसे दे कि वो पूरा कर्जा नील हो सके, बैंकरप्ट से बाहर आ सके। और उनको विश्वास था, वो धीरूभाई अंबानी जी को विश्वास था कि ये लड़का कुछ तो बाहर निकालेगा, कुछ बड़ा करेगा। तो डॉक्टर बिंद्र बच्चन जी ने पीछे देखा नहीं और काम करते चले गए, जितने भी फ्लॉप फिल्में आती गई, लेकिन वो हार नहीं मानी और अलग अलग इंडस्ट्री में, मतलब अलग अलग पिक्चर बनाते गए और आज टॉप पर है, उनका TRP भी टॉप पर है। और बच्चन अभी भी काम कर रहे हैं, ये जॉब 70 80 एज हो गई तभी भी काम कर रहे हैं। कौन बनेगा, जैसे कि देखना होगा आपने, कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे हैं। वैसे ही सलमान खान, उनकी भी डाउनफॉल आया था,
वो वांटेड से उनकी उनका भी पिक्चर नहीं चल रहे थे, उनका भी डाउनफॉल आया था। वो अलग पिक्चर करते गए करते गए, वांटेड से उनको ग्रोथ मिला और आज टॉप पर है। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान टॉप खान में गिना जाता है, लेकिन आमिर खान के पिक्चर कम आ रहे। लेकिन शाहरुख खान का भी डाउनफॉल आया था, उसके बच्चे को ड्रग्स के इसमें फंसा, मतलब जेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिक्चर देते गए और उन्होंने लीगली एक्शन लिया। लीगली बच्चे को पैसे से एक दिन में बाहर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और लीगली काम करके अपने बेटे को बाहर निकाला। और पठान इस साल की, मतलब पिछले साल की बहुत ही बड़ी फिल्म हो गई पठान। तो इसे ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में डाउनफॉल आते हैं या बड़े लोगों के, जो हर हर आदमी के पीछे डाउनफॉल आते हैं और उसे बाउंस बैक कैसे करना है, तो कैसे उससे लड़ना है। और तो स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही बढ़िया लाइन बोली है, संकट आवर, मराठी में बोली है, संकट आवर पाय देऊन उभं राहा आणि आपल्या ध्येयाला गाठा। मतलब मुश्किल पे पैर रखकर आगे बढ़ना है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। वैसे ये बड़े बड़े हस्तियों ने ऐसे ही किया और अपना सक्सेस को पीछे नहीं डाला। उन्होंने उन्होंने जितने भी डाउनफॉल आए उन्होंने बाउंस बैक किया और अपने लक्ष्य पर फोकस किया और काम करते चले गए। इसलिए आपको भी बाउंस बैक करना है, काम करते रहना है। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यही थी बॉलीवुड की स्टोरी, बॉलीवुड क्या है आपने देखा हो, बॉलीवुड की शुरुआत कहाँ से हुई। तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बॉलीवुड की और जानकारी के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।